नमस्कार किसान भाइयों, मैं शुभम चौहान वार्ता पोल्ट्री फार्मिंग से। ये देख सकते हो मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। वो देखो बहुत दिन में आया मेरा फ्रेंड, ये देखो इसका बहुत बड़ा योगदान है। नाम बता दे तेरा। नाम लोकेश गिरवाल। लोकेश गिरवाल, बहुत बड़ा योगदान है इस फार्म में इसका, और इसको समय कम मिलता है इस वजह से कम आता है, विजिट करता है यहाँ। और देखो सिवा लगा एकदम जोर शोर से, और ये उसी की खेती है, ये उसकी बदौलत है, कीचड़ भी उसी की बदौलत है और वजन भी उसी की बदौलत है। देख सकते हैं ये देखो कीचड़ हो रहा पूरा, अभी तक सही नहीं किया और लगा हुआ है अपने काम में। देखो सामने और पानी सुबह शाम दोनों टाइम गिर रहा है, बहुत ही ठंडा मौसम है, और एकदम नॉर्मल वाटर चला रहे देखो उसमें। और लिफ्टिंग आज 39 दिन हुए हैं, 39 डेज ओल्ड। हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे हो गया हो, एक दिन आगे पीछे। 18 मई को चिक्स आए थे, 19 मई को, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि कितने दिन हो गए और एवरेज क्या आना चाहिए आज के हिसाब से। इसमें तो मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा हूँ, मैं इसको मैं बनाऊँगा भी नहीं, क्योंकि इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा। मेरा ग्राम तो दिखे ही नहीं उसमें कि कहाँ गए ग्राम उन। और ये देखो ये हमारा एक अलग ही वज़न बढ़ाने का ये है कि हम FCR ज़रूर बढ़ता है, लेकिन ये बढ़ाते चलते हम 3 टाइम। और आप अगर ये चीज़ फॉलो करोगे तो देखना आपका मतलब रिजल्ट भी जो मैं बोल रहा हूँ वही मिलेगा। ये वजन देखो पूरा गंदे हो रहे हैं, फ्लूट कप की वजह से गंदे है सब ये। हर जगह देखो मैं घूम के दिखाता रहता हूँ लाइव प्रूफ। इधर देखिए पानी तो अच्छे से गिर रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगला बैच सावन के महीने में आएगा, मतलब बाद में आएगा, आप देखते हैं। मैं अभी थोड़े दिन रोक लूँगा और उसके बाद बच्चे डलाएंगे। यहाँ पर अमोनिया की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही मेरे को, क्योंकि ये त्रिपाल नीचे हुई हो गई है इस वजह से। ये पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है बल्बों को। ये सिवा लगा है देखो इधर सामने, और अगर एक को तोलेंगे तो पता नहीं कितना वजन होगा। मैंने एक वीडियो बना लिया था बहुत, मतलब 55 दिन में उसका वज़न था 4.5 किलो के आसपास एक मुर्गे का। अभी कुछ भी नहीं, देखिए हमेशा की तरह मैं लाइव बताता रहता हूँ। ये देखो उठाने से देखो लगे देखो दाने पे और पानी पर, ये देखिए इधर मैंने अभी उठाया और ये देखो पानी पी रहे हैं। दाना जितना खाएगा इतना वज़न लेगा बड़ा होने के बाद। ये देखो ये अभी बैठे थे सब और ये पानी पे लग गए, देखो मैं आपके सामने लाइव प्रूफ है। देखो जो बैठे हैं देखो, आप उधर से चलूँगा तो वो वाले भी उड़ जाएंगे और पानी पीने लग जाएंगे, और जिसको दाना खाना दाना, मेरे को चलना ही पड़ेगा उधर, क्योंकि वज़न बढ़ाना अपने को तेज़ी से। वो लाइन में चलूँगा मैं, ये लाइन में चलना चाहूँगा मैं। देखिए अभी निप्पल पे लगे देखो उधर, आपके सामने लाइव प्रूफ। मैं इधर चलना चाहूँगा देखो, इससे ये क्या होता है, ये बैठे रहते हैं, ये बैठे ही रहते जाते हैं तो हम उठाते हैं इनको तो उससे पानी पीता है ये। और मुझे कमेंट में बताना अगर YouTube पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, और Facebook पर भी देख रहे हो तो लाइक करें। मैं सब्सक्राइब और फॉलो का तो कुछ भी नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैं
मेरे ही जानकारी के लिए मैं ये वीडियो ऑन बनाता हूँ। मेरे को नाले लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए इतना बड़ा पैरालाइज हो गया, ये मुर्गा था ये, और इनको मैं उठाते हुए चल रहा हूँ। ये त्रिपाल थोड़ी उड़ जाए यहाँ से तो काम हो जाए। देखो पीछे भी देखना, उधर निप्पल पर लगे हैं और फ्लूट कप पर लगे हैं। हमेशा की तरह मैं लाइव प्रूफ बताता हूँ। देखो ये देखो इतने ऊपर है निप्पल, और ये दाने तो जैसे नीचे गिर जाते हैं, पर इतने ऊपर पानी कैसे पी रहा होगा ये देख सकते हैं आपके सामने। पानी कैसे पी रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पानी कैसे पी रहा होगा इतने ऊपर। देखिए कितने ऊपर, और उसको देखो क्या उड़ जाता है क्या ऊपर। ये देखो ये आपके सामने पानी पी रहे, देखो सब पानी पी, देखो और दाने पर। तो इसका कारण यही है, मैं अभी आ नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं 3 राउंड और सिवा भी घूम जाता है 3 राउंड कम से कम। ये शुरू से ही फर्स्ट लाट से ही हम ऐसा करते हैं तो हमारा वजन दूसरे की तुलना में ज़्यादा निकलेगा, देख लेना आप। कुछ भी हो, अगर कीचड़ भी हो फार्म पर तो कोई दिक्कत नहीं, ये गीला होने से भी मतलब हम मतलब दूसरे उनके फार्म में कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ गीला भी हो रहा है लेकिन फिर भी वज़न ज़्यादा है आपके फार्म से, आप देख लेना। ये जो कुछ भी नहीं करना है, 1 राउंड घूमना बस अंदर 3 टाइम दिन में, 1 दिन में, और अगर दिन में अगर ज़्यादा ही गर्मी है तो दिन में नहीं घूमें, इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये टर्बो फीडर इधर लगा दिए, देखो टांग के रख दिए, और हमेशा की तरह मैं लाइव प्रूफ बताता रहता हूँ। और दाने पर लगे देखो, और पानी पर भी लगे हैं। ये देखो बैठे हैं, इनको हटा देंगे, तेज पानी पियेंगे। देखो मैं चलता जा रहा हूँ, देखो और वो पानी पी रहे, देखो उधर, और दाने पर लगे देखो अच्छे से, क्योंकि ठंडा मौसम है एकदम, बहुत ही बढ़िया मौसम है। हमने एक बंडल एक्स्ट्रा पटक कर रखा था, ये देखिए हमारा फार्म 30x150 है, हम 7 बंडल लाए थे, वो 50-50 फीट का है ये, और बाकी आपके सामने ही। देखो मुझे कमेंट में बताना कि 39 दिन में एवरेज कितना होता है। मैं इससे नहीं वीडियो बना पा रहा हूँ, मज़े नहीं आ रहे, मैं मुझे डिजिटल पड़ा है मेरे यहाँ बड़ा वाला, वो नीचे रखता है ना वो वाला, और वो ख़राब पड़ा है, उसको सुधराना है, समय ही नहीं मिल पा रहा है। देखो ये खेत यून बो के बोना है इसको इधर, और इसमें बता नहीं पाता, देखो ये देखिए अभी भी 0 है देखो इसमें, पर बता नहीं पाते हैं, मज़े नहीं आए मेरे को इसमें। अगले अर्थ में पूरा प्रॉपर बताऊंगा। और जनरेटर इस बार निकालना ही है क्योंकि ठंडा मौसम होना है, और उसको सही करा के रख लूँगा मैं। और ब्रूडर के लिए हम ये 6 डिब्बे काट के रखे हैं हमने, तो उससे वो बुरादा जला देते और फिर 1-1 घंटा जल जाता मतलब, और क्योंकि ब्रूडिंग के समय में ठंडे के मौसम में हमने पिछले लाड में बहुत ज़्यादा मारे, इसमें नहीं मारे। ये देखिए पूरा फार्म में घूम के दिखा दे, देखो ना मैं लाइव प्रूफ बता रहा हूँ हमेशा की तरह, और आपका प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। एवरेज वेट क्या होना चाहिए, ये देखिए एक बल्ब उधर आगे वाला लगा दिया है शिवा ने, ये 2 और लगाना है यहाँ पे, और अब मैं घर निकलना चाह रहा हूँ। देखो ठंडा मौसम होने से मेरे फार्म में मतलब बढ़िया है, मेरा फार्म 30x150 है, इसमें 4000 आता है या 3800 आते हैं, लेकिन इसमें 5000 बच्चे हैं। फिर भी देख लो निप्पल सिस्टम का कमाल, ये निप्पल सिस्टम की ही देन है ये। अगर वो पुराने बर्तन हों तो देखो आप किस हिसाब से वो गर्मी भी करते हैं बर्तन उन, देखिए आप पूरे फार्म में मैं लाइव प्रूफ बताता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, और मोटिलिटी तो बोरो मतलब जितनी होती है इतनी होती है, और छोटी टंकी तो लगाते ही नहीं हम। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, देखो हमारा सिस्टम ऐसा लगा हुआ है, ये देखिए हर जगह ऐसा ही लगा है, उधर पीछे से भी लगा है ऐसा,
देखिए एवरेज वेट मुझे कमेंट में बताना कि एवरेज वेट क्या आना चाहिए आज।